अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो है शुरुआत हो रही मेरी मुफ्सी के बच्चों में, मुफ्सी और मुफ्सी के बच्चों के साथ और मेरे बच्चों के साथ। तो कितना क्यूट क्यूट चेहरा लोग बनाते हैं, मैं वही आपको दिखाने की कोशिश में थी। और देखिए अभी इसका फेस कितना क्यूट लग रहा है। फिर उसके बाद जो है ओरियो है ये, और इसका देखो फेस, छोटे से बच्चे का मेरा छोटे से। और ये बोतल मंगाई हूँ मैंने दूध की, ताकि उससे जब पेट नहीं भरता है तो भी लोग चिल्लाते रहते हैं मुफ्सी से उसका पेट नहीं भरता है। मुफ्सी की मिल्क से उसको लोग का पेट नहीं भरता है, तो मैं ये बोतल उन लोग को लगाई हूँ ताकि उन लोग अच्छे से पेट भर जाए। और देखो कितना क्यूट से चेहरा बना के सोते हैं लोग। तो इन लोग से ही मेरी शुरुआत होती है, और इन लोग से ही मेरी दिन की शुरुआत होती है, और इन लोग के आवाज़ों से ही मेरी रात गुजरती है। अब जब बड़े होने लग गए हैं तो आवाज़ें करने लग गए हैं और मेरे बाजू में आ जाते हैं उतर के, और मुझे डर लगता है कि मेरे नींद में सोती रहो मैं दब ना जाए लोग। अभी भी इन लोग की आवाज़ आ ही रही है, और अभी तो आपस में ही लोग झगड़े करने लगे हैं। तो आपस में झगड़े करने लग गए लोग, बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग की नई नई हरकतें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए इस तरीके से लोग पीते हैं, और मुझे ऐसे लोग को पिलाने में बहुत अच्छा लगता है। बड़े ही प्यार से पीते हैं और माशाल्लाह से पेट भर जाता है लोग का। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी पुलाव, तो मैंने रेसिपी कई बार शेयर करी, तो मैंने सोची ये टाइम मैं शेयर ना करूँ। बार बार के एक ही चीज़ की रेसिपी शेयर करना, बहुत बार मैंने शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने फास्ट में बना ली थी वीडियो, और फिर उस दिन पुलाव बना था। अच्छा, ये ब्लॉग में आपको थोड़ा मेरा जो मैं नहीं दिखाती वो देखने को मिलेगा, मतलब जब हम बैठते हैं बातें करते हैं, और मेरी बड़ी अम्मी के हम लोग जाते हैं, वो सब मैं आज आपको ये ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो स्टे ट्यून रहे, और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। और जैसा मतलब कि मेरा दिन एक्चुअल में गुजरता है, अभी आज तक के मैं आपको दिखाई हूँ कि मैं खाना वगैरह बनाना ये वो मेरा काम ही दिखाई हूँ, बट उसके बाद मैं करती क्या वो मैंने आपसे शेयर नहीं करी हूँ। तो आज मैं आपको वो बताऊँगी, और बहुत इन्जॉयमेंट और बहुत ही मज़ा आती है। या मेरा पुलाव जो है रेडी हो गया, तो मैं और मम्मी हम लोग बाहर भी खा लेते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाहर नहीं खाते, बाहर भी हमारा एक घर ही जैसा है, तो हम लोग बाहर खा लेते हैं। बहुत ही यम्मी टेस्टी पुलाव बना था, साथ में सूप भी बनाई थी मैंने, बहुत ही टेस्टी बना था। और मेरा मैं जैसे पुलाव बनाती हूँ ना वैसा आप बना के देखना, बहुत टेस्टी बनता है। और अभी मैं जा रही थी बड़ी अम्मी क्या, तो ये लोगों में इस तरीके से बंद करके जाती हूँ। नहीं अभी नहीं जा रही थी, अभी तो शाम का टाइम है, और मुफ्सी भी बाहर आई है। अब मैं जा रही थी खाना बनाने, तो इस तरीके से हमारा दस्तरखान जो है बिछता है, जैसे मैं आपको बताई हूँ वैसे, पर आज मैं प्रॉपर आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ा ब्लर है क्योंकि मैं फेस नहीं दिखाना चाहती ना इसलिए। यार रोटी बनाते बनाते मैं गई थी कुछ काम के लिए, हाँ मोबाइल के लिए गई थी, चल शूटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर वही हो रहा था, वहाँ पर देखो साफ़ सफाई, मेथी साफ़ करके दे रहे हैं मुझे मेरी मम्मी, और एक आंटी आए थे पीछे रहते हैं, तो वो बैठे बैठे बात करते रहे, तो वो भी साफ़ करने बैठ गए। यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, तो खाने में बन रहा है दाल चावल मेथी, और दाल चावल तो बन गया था, मेथी और रोटी बनाने का था, तो वो बनाने का था, वो ही बना रही हूँ। और पीछे देखो मम्मी बैठे, तो मैंने सोची आज मैं प्रॉपर ऐसा वीडियो बनाऊँ, मैं थोड़ा ब्लर कर दे रही हूँ, पर ठीक है आपको दिख तो रहा है ना मैं क्या कर रही और मेरे घर वाले भी क्या कर रहे हैं। तो बस रोटी वगैरह बना के काम वगैरह फिनिश करके फिर मैं अपने मुफ्सी के बच्चों के साथ लग जाती हूँ। अब मेरा काम यही रहता है, और शादी की तैयारियों में भी बहुत लेट हो जा रहा है, थोड़ा बहुत और भी सामान लाना है, पर दिल ही नहीं होता है कि बाज़ार वगैरह जाने का, तैयारी करने का, बट जब एंड टाइम पे जब लेट होगा फिर लगेगा कि हाँ अब मंगा लेना है, तो फिर जाना पड़ेगा। अभी भी चीज़ें बाकी है लाना, तो
तो देखते कब तक होता है। बीच में मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो फिर और नहीं हो पा रहा था। तो चलिए देखो जैसे भी होता है मैं आपसे ज़रूर शेयर तो करूँगी। और यहाँ पे आ गए हम लोग खाना वगैरह खा के बड़ी मम्मी के आ गए। तो ये जो बच्चे लोग होते हैं ना वो लोग से मस्ती वगैरह बहुत करते। तो देखो इन लोग की मस्ती देखने और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं मस्ती वगैरह करने और यहाँ पे बैठते फिर अच्छी रात हो जाती है तब जाते हैं हम लोग। यहाँ पे कम से कम हमारा 2-3 घंटा गुजर जाता है मेरी बड़ी मम्मी का सब काम वगैरह फिनिश करके और खाना वगैरह खा के पापा को भी खाना वगैरह दे के सब करवा के आते हैं। तो चलिए इंजॉय करिए मेरी ये क्लिप।